So now the next topic is called Cartesian product of sets. अभी तक हम दो सेट्स दिया तो we have understood how to find the union, intersection, difference, symmetric difference and complement. अब हम देखेंगे दो सेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. ठीक है, सो मान लीजिए एक सेट ए है 1, 2, 3. द नेक्स्ट सेट बी इज द सेट कंटेनिंग 4, 5. मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट्स इज नॉट इंट्यूटिव. मान लीजिए सेट्स जब हम बात करते हैं, 11th क्लास एक सेट है, मान लीजिए 12th क्लास एक सेट है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? हाउ डू यू मल्टीप्लाई द ऑब्जेक्ट्स? दिस इज काउंटर इंट्यूटिव. सही है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप लोग कुछ सोच सकते हैं? मान लीजिए आप दिस 11th क्लास कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, 12th क्लास कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? दिस इज काउंटर इंट्यूटिव. So we need to define what multiplication is. ठीक है, एक definition देंगे and we will say that this is what multiplication is. Clear? So A is set 1, 2, 3, B is set 4, 5. So A into B का define किया गया है, A into B is the set containing ordered pairs A comma B such that A belongs to the first set and B belongs to the second set. ये definition है. This is what the definition of A cross B is. Clear है? इसका मतलब है A into B किया तो उस set में individual elements जैसा नहीं होगा. कैसा होगा? एक एक element एक ordered pair जैसा होगा. ठीक है, ordered pair such that इस ordered pair में first element जो है वो first set से आएगा, second element second set से आएगा. इसका मतलब 1, 4 हो सकते हैं. ठीक है, 1 फर्स्ट सेट से आया, 4 सेकंड सेट से आया. और क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं? 1, 5 आ सकते हैं, 2, 4 आ सकते हैं, 2, 5, 3, 4 एंड और कुछ आ सकते हैं? नहीं है ना. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी. अगले बार से इफ आई आस्क यू टू फाइंड ए क्रॉस बी, यू हैव टू यूज दिस डेफिनेशन एंड फाइंड द आंसर. क्लियर है? आप ऐसा भी सोच सकते हैं, अगर ए को एक ओवल मान लीजिए जिसमें मैं लिखता हूं 1, 2, 3, लेट दिस बी द सेट ए. नेक्स्ट लेट अस टेक दैट बी इज अ सेट 4, 5. एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं. मान लीजिए दोनों को मुझे क्या करना है? इंटू करना है. क्लियर? अगर इंटू किया तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आएगा? 1, 4 आएगा, 1, 5 आएगा, 2, 4 आएगा, 2, 5, 3, 4 एंड 3, 5. ठीक है, इसमें हर एक एलिमेंट को उसमें हर एक एलिमेंट से आप एरो से ज्वाइन करना है एंड एवरी एरो करस्पॉन्ड्स टू ए ऑर्डर्ड पेयर. ये एरो 1, 4 से कनेक्ट हुआ था ना, इसे करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर क्या है? 1, 4. 1, 5 से कनेक्ट हुआ, करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर इज 1, 5. सो ऑन. कितना ऑर्डर्ड पेयर आया? 6 ऑर्डर्ड पेयर आया. ध्यान से देख लीजिए. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए क्रॉस बी? देखिए, ए क्रॉस बी में 1, 4 इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं है, 1, 4 मिलके एक ब्रैकेट में, दैट इज एन एलिमेंट. सो व्हाट इज एन ऑफ ए क्रॉस बी? 6 आया. ये 6 कैसे आया? कुछ एन ऑफ ए कितना है? एन ऑफ ए इज 3 एंड एन ऑफ बी इज 2. सो एन ऑफ ए क्रॉस बी 6 आया था ना. How is it related to 2 and 3? दोनों मल्टीप्लाई हुआ था ना. सो एन ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी. समझ में आ रहे? जैसा हम ए क्रॉस बी फाइंड किया, आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी फाइंड कर सकते हैं. सिमिलर डेफिनेशन आप एक्सटेंड कर सकते हैं. अगर 3 सेट को मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं आएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आएगा. Order triplets A, B, C such that the first element comes from the first set, the second element comes from the second set and the third element comes from the third set. ऐसा करके आप 4 sets को भी multiply कर सकते हैं, 5 sets को भी multiply कर सकते हैं. You can do whatever you want. Multiplication का मतलब समझ में आ रहा है? So let us write this down. Okay.
सो नेक्स्ट टॉपिक इज कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन. ओके, मैं यहां लिख लेता हूं. देखिए मॉड्यूल में द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स ए कमा बी सच दैट द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड द सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट. राइट, सो मान लीजिए एग्जाम्पल, इफ यू टेक ए इज इक्वल टू सेट 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू सेट 4, 5. ए क्रॉस बी में क्या आएगा? ए क्रॉस बी में यू गेट ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4 एंड 3, 5. राइट, इसी को आप एक डायग्रामेटिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक डायग्राम में, ठीक है, एक अंडा ड्रॉ कर सकते हैं. फर्स्ट सेट ए, सेकंड इज फर्स्ट सेट बी. ओके, सेट ए में 1, 2, 3 है, सेट बी में 4 एंड 5 है. क्लियर? एंड व्हाट यू डू फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज यू जॉइन एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट. सो 1, 4 ज्वाइन कर लीजिए 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4 एंड 3, 5. दिस इज कॉल्ड द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी. क्लियर है? एंड एवरी एरो करस्पॉन्ड्स टू वॉट? करस्पॉन्ड्स टू एन ऑर्डर्ड पेयर. ओके, एवरी arrow corresponds to a ordered pair. Clear? And what is n of a cross b? N of a cross b is equal to n of a into n of b. ये formula है. Clear है? Next time से if I directly ask you n of a cross b, I'm directly n of a into n of b करने से हो जाएगा. Clear? So similarly, you can also define the कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स ऑल्सो. सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का डेफिनेशन क्या होगा? सेट कंटेनिंग ऑर्डर ट्रिपलेट ए बी सी, इस बार ट्रिपलेट आएगा, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू. इजी है? क्लियर? Now, if I ask you, what is an ordered pair? मैं नया sentence, नया word है ना ये ordered pair. कभी सुना है पहला? What is the meaning of an ordered pair? Simple है, ordered pair is a pair of two numbers where order is important. ठीक है? मान लीजिए 1, 2 है, दो numbers है 1, 2, 2, 1, दो numbers है, ये दोनों equal नहीं होते हैं. ठीक है? Ordered pair 1, 2 is a set of numbers 1 and 2 where order is important. First element 1 hai, second element 2 hai. Ordered pair 2, 1 ka matlab first element 2 hai, second element 1 hai. Dono equal nahi hote hain. I can think of sets as nothing but unordered set of elements. Right? Dekhe, set ka, agar curly braces hai toh, agar curly braces hai toh, 1, 2 is same as 2, 1. Kyunki hum dekhe, sets mein order is not important. Right? Ordered pairs में क्या है? Elements के साथ order भी important होते हैं. इतना ही difference है. Clear? So, order is important in an ordered pair. समझ में आ रहा है कि नहीं? Order is important in an ordered pair. Clear? Easy?
So next, so let us try to practice this concept. Note kiya. So next, go to the next page. The first example is, question में दिया है कि ordered pair x plus 2y comma y minus x is equal to 2 comma 3 ordered pair. Can you find x and y? Simple है. Ordered pair में order is important. So first element has to be equal to the first element here. Second element has to be equal to the second element. So equation क्या होगा? X plus 2y is equal to 2. Y minus x is equal to 3. दोनों को solve कर सकते हैं? सिंपल है ना, दोनों को ऐड किया था x एंड माइनस x आर गेटिंग कैंसल्ड, सो 3y इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 5 बाय 3, राइट? सो y इक्वल टू 5 बाय 3, कोई भी एक इक्वेशन में बैक सब्स्टिट्यूशन कर लिया तो x इज इक्वल टू y माइनस 3, दैट इज 5 बाय 3 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू एलसीएम लिया तो कितना आएगा, माइनस 4 बाय. इजी है, एलसीएम लेना आता है ना, माइनस 4 बाय 3, सो एक्स इज इक्वल टू फाइनली माइनस 4 बाय 3 एंड वाई इज इक्वल टू 5 बाय 3 इज द आंसर. सिंपल है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्या है, दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं. ए इज सेट कंटेनिंग 1, 2, सेट बी इज ए बी, कैन यू फाइंड ए क्रॉस बी? बहुत सिंपल है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर द फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम द सेकंड सेट. सो 1 कमा ए आएगा, 1 कमा बी, 2 कमा ए एंड 2 कमा बी, कितना ऑर्डर्ड पेयर्स है, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स. सिंपल, डायग्रामेटिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको. डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा, ए इज 1, 2, बी इज ए बी, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं. सो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या आएगा, ये दोनों और ये दोनों. क्लियर है, इजी? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस बार यू आर आस्क्ड टू फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी. ए में दो एलिमेंट्स है, बी में दो एलिमेंट्स है, सी में दो एलिमेंट्स है, सो यू हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी. पहले गेस कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी में? ठीक है, फॉर्मूला का एक्सटेंड किया तो 8 एलिमेंट्स आएगा ना, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ सी. सो एक ऑर्डर में लिखा तो सब कुछ अच्छे से आ जाएगा, जैसा 1 A, B, ओके, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, इसके बाद 1 कमा A के साथ Q हो गया, 1 कमा A के साथ P, 1 कमा A के साथ Q, इसके बाद चेंज करेंगे 1 B के साथ P, 1 B के साथ Q. क्लियर? नेक्स्ट 2 A के साथ, 1 C तो नहीं है, 2 A के साथ P, 2 A के साथ Q, ठीक है, एक अच्छे सा लाइन में जा रहे. नेक्स्ट 2 B P एंड 2 B Q, ओके, 8 एलिमेंट्स आ गया. सो वंस यू गेट 8 एलिमेंट्स यू कैन क्लोज द ब्रैकेट. वंस यू गेट ऑल द 8 एलिमेंट्स यू कैन क्लोज द ब्रैकेट. क्लियर? इजी है कि नहीं? सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन तो और इजी है, देखिए. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तो फॉर्मूला है ना, एन ऑफ ए दिया है, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी. व्हाट इज एन ऑफ
ए क्रॉस बी क्रॉस सी, फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ सी, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 5, कितना 30 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार ध्यान से, थोड़ा सा सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट वापस आया। एन ऑफ ए इज 2, एन ऑफ बी इज 5, वॉट इज एन ऑफ पी ऑफ ए क्रॉस बी, पी का मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। पावर सेट के बारे में हम क्या सीखे हैं, इफ एन एलिमेंट ए सेट ए कंटेन्स, एक बार फॉर्मूला याद कर रहा हूं, इफ ए सेट ए कंटेन्स एन एलिमेंट्स, इफ ए सेट ए कंटेन्स एन एलिमेंट्स, वॉट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए, पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा, 2 to the power n, राइट? एक सेट में अगर n एलिमेंट्स है तो उसका पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा, 2 to the power n। क्लियर? नाउ यू आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड n ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो व्हाट इज n ऑफ ए क्रॉस बी, n ऑफ ए इंटू n ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 2 into 5, 10 है, सही है? अब ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है, सो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स होगा, सिंपली 2 power 10, 2 power 10 इज द आंसर, कितना है, 1024 एलिमेंट्स। हाँ छोड़ सकते हैं, 2 power 10 में भी छोड़ सकते हैं, या यू कैन कैलकुलेट दिस, इजी है। सो फर्स्ट हम क्या किया, कोई भी सेट का पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए तो उस सेट का 2 power करना पड़ेगा। सो नाउ यू वांट द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो पहला हम फाइंड किए ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स है, ए क्रॉस बी में 10 एलिमेंट्स है, सो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में 2 power 10 एलिमेंट्स होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आप बोल रहे कि इस बार एन ऑफ पी क्रॉस पी, दो से एक सेट है P, उसको अपने से क्रॉस किया, कितने एलिमेंट्स आया, 16 एलिमेंट्स आया, एंड P क्रॉस B कंटेन्स द एलिमेंट्स A1 एंड B2, ये दो एलिमेंट्स तो है उसमें, कैन यू फाइंड द सेट P, निकाल सकते हैं? देखिए पहला N ऑफ P क्रॉस P का फॉर्मूला क्या होगा, N ऑफ P इंटू N ऑफ P, कितना दिया, 16 दिया, So, n ऑफ p कितना होना चाहिए, ये क्लियर है? So, n ऑफ p क्रॉस p का मतलब n ऑफ p का होल स्क्वायर होगा, वो दिया है कि 16 है, इसका मतलब p में कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, ओके? वो चारों एलिमेंट्स फाइंड करना है क्वेश्चन के हिसाब से, यू हैव टू फाइंड द सेट p। सो मैं क्या करता हूं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, ओके? दिस इज p, दिस इज ये P में कितना एलिमेंट्स है, इस तरफ 4 एलिमेंट्स है, इस तरफ 4 एलिमेंट्स है, वो क्या है मुझे पता नहीं अभी, वो फाइंड करना है, बट व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन, P क्रॉस P में क्या एलिमेंट्स है, A1 एंड B2, एवरी ऑर्डर्ड पेयर करस्पॉन्ड्स टू एन एरो, राइट? एवरी ऑर्डर्ड पेयर करस्पॉन्ड्स टू एरो, इसका मतलब A2 1 जैसा एक एरो है, B2 2 जैसा एक एरो है, इसका मतलब इस तरफ P में दो एलिमेंट्स आ गए, इस तरफ P में दो एलिमेंट्स आ गया, बट ये P और ये P तो सेम है ना, इसका मतलब ये जो 1 2 एलिमेंट्स जो है इसमें भी होना चाहिए, एंड इस तरफ A B एलिमेंट्स जो है इसमें भी होना चाहिए, सही कि नहीं? सो P आ गया, देखिए व्हाट इज P, P इज नथिंग बट सेट कंटेनिंग 1 2 एंड B, क्लियर? एंड राइट द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ P क्रॉस P, लिख सकते हैं कितना एलिमेंट्स आएगा, और 14 एलिमेंट्स आएगा, राइट? 2 एलिमेंट्स आर गिवन, A1 एंड B2 आर गिवन टू यू, बाकी 14 एलिमेंट्स खुद से लिख लीजिए, बाकी एरोस आ जाएगा ना, गेट ऑल द रिमेनिंग एरोस, सारा जो भी एरोस है, एवरी एरो करस्पॉन्ड्स इन ऑर्डर पेयर, जैसा A1 A2 AA AB B1 B2 BA BB 11 12 1A 1B 21 22 2A 2B, ये सारे एलिमेंट्स आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्लियर है? आगे जा सकते हैं?
नेक्स्ट टॉपिक है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विच यू हैव ऑलरेडी सीन। ए क्रॉस बी को आप जैसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसा डायग्रामेटिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्रामेटिक फॉर्म में क्या करते हैं हम, विड्रॉ ओवल्स वन करेस्पॉन्डिंग टू ए एंड नेक्स्ट करेस्पॉन्डिंग टू बी, बीच में क्या हो रहे, क्रॉस हो रहे। सो एग्जाम्पल, फर्स्ट सेट में 1, 2, 3 है, सेकेंड सेट इज ए बी। वॉट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी इज नथिंग बट ऑल द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू ऑल द एलिमेंट्स, राइट? सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। सो क्वेश्चन में क्या दिया, रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इन डायग्रामेटिक फॉर्म। बी क्रॉस ए का भी कर लीजिए, बी क्रॉस ए का मतलब फर्स्ट बी होगा, इसके बाद ए होगा, बी ए दोनों का क्रॉस हो रहे हैं, पहला ए बी इसके बाद 1, 2, 3। अभी भी कितना एलिमेंट्स आएगा, 6 एलिमेंट्स आएगा, क्लियर? दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी क्रॉस ए। विल ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है क्या? ए क्रॉस बी विल इट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए? नो, राइट? ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग होगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर चेंज हो गया तो वो अलग एलिमेंट हो गया, क्लियर? सो इसमें क्या बोल रहे, देखिए, ईच एरो रिप्रेजेंट्स ए ऑर्डर्ड पेयर, क्लियर? इसके बाद अपने लिए एक क्वेश्चन है, इस बार देखिए ध्यान से, व्हाट इज ए? ए इज अ सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स। इस बार ध्यान से देख लीजिए, ए जो है, ए इज अ सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स 1, 2, 3, 4 एंड 1, 3। बी में भी ऑर्डर्ड पेयर्स है। अब ए क्रॉस बी को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करिए और उसका रोस्टर फॉर्म भी लिखिए, दैट इज द क्वेश्चन। डायग्रामेटिक फॉर्म कैसा आएगा इस बार, फर्स्ट ओवल सेकेंड ओवल, डायग्रामेटिक फॉर्म के लिए फर्स्ट ओवल करिस्पॉन्स टू ए, सेकेंड ओवल करिस्पॉन्स टू बी। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है, कितना एलिमेंट्स है ए में, काउंट करके बोलिए, ए में एलिमेंट्स है, तीन एलिमेंट्स है, क्या है, ऑर्डर्ड पेयर 1, 2, ऑर्डर्ड पेयर 3, 4 एंड ऑर्डर्ड पेयर 1, 3, ओके। बी में कितना एलिमेंट्स है, थ्री एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऑर्डर्ड पेयर बी सी, ऑर्डर्ड पेयर ए सी, ओके। नाउ यू हैव टू क्रॉस दिस टू सेट्स। क्रॉस कैसे करते हैं हम, एवरी एलिमेंट कनेक्टेड विथ एवरी अदर एलिमेंट। सो कितना एरोस आया, कितना एरोस आया, यू गॉट 9 एरोस, 3 + 3 + 3, यू गॉट 9 एरोस, राइट? सो ए क्रॉस बी को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ए क्रॉस बी कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर्स। इस बार ऑर्डर्ड पेयर्स का ऑर्डर्ड पेयर्स आएगा, राइट? ऑर्डर्ड पेयर कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 एंड ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ये वाला एक एलिमेंट है, 1, 2, a, b का ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, 2, bc का ऑर्डर्ड पेयर, राइट? नेक्स्ट 1, 2, ac का ऑर्डर्ड पेयर, ऐसा करके कितना ऑर्डर्ड पेयर आएगा, 9 ऑर्डर्ड पेयर आएगा। सब कुछ लिख सकते हैं, लिख लीजिए, दिस इज हैविंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर है, 3, 4, ab, 3, 4, bc का ऑर्डर्ड पेयर, 3, 4, ac का ऑर्डर्ड पेयर, इसके बाद 1, 3, ab का ऑर्डर्ड पेयर,
वन थ्री कमा बी सी का ऑर्डर पेयर, वन थ्री कमा ए सी का ऑर्डर पेयर. ओके, सारा लिख लिया मैंने. इजी है, नाइन ऑर्डर पेयर है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऑर्डर पेयर. क्लियर, एग्जाम में लिख सकते हैं. सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं. अभी तक हमको एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, इस बार ऑर्डर्ड पेयर्स का ऑर्डर्ड पेयर्स. क्लियर है. नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. आप ए क्रॉस बी को ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो आप ध्यान से सोचा तो ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, एवरी ऑर्डर्ड पेयर करेस्पॉन्ड्स टू ए पॉइंट इन ग्राफ. ग्राफ में हर एक पॉइंट एक ऑर्डर्ड पेयर होते हैं. सो हम ग्राफ के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, व्हाट इज ए क्रॉस बी, सेट कंटेनिंग वन ए वन बी टू ए टू बी नेक्स्ट थ्री ए थ्री बी, राइट. सो एवरी ऑर्डर्ड पेयर करस्पॉन्ड्स टू ए पॉइंट ऑन द ग्राफ. ये सारा पॉइंट्स को प्लॉट किया तो आप ग्राफिकल फॉर्म हो जाएगा. जैसा फर्स्ट एलिमेंट्स वन टू थ्री, ए बी को मैं वाई एक्सिस में मार्क कर लेता हूं. सो व्हाट इज अ पॉइंट वन ए, ये वाला पॉइंट वन ए होगा, ये वाला पॉइंट वन बी, टू ए टू बी, थ्री ए थ्री बी. सो दिस इज नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी. हाँ, उसको नहीं पूछते हैं. ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म इज पॉसिबल ओनली इफ द एलिमेंट्स आर नंबर्स. क्लियर है. ये ए बी जो है, मैं मान रहा हूं कि वो भी कुछ ना कुछ नंबर्स है, क्योंकि ग्राफ में एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर नंबर्स रहेगा, राइट. सो ए क्रॉस बी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए ग्राफ ओनली इफ द सेट ए एंड बी कंटेन्स रियल नंबर्स. क्लियर है. वो थ्री डी में चले जाएगा. ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है तो आप थ्री डी में, थ्री डी ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि ए कमा बी कमा सी इज ए पॉइंट ऑन थ्री डी. क्लियर है. जेड एक्सिस भी रहेगा. क्लियर. क्योंकि पॉइंट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, सेकंड कोऑर्डिनेट इज द वाई कोऑर्डिनेट. सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स कम फ्रॉम द फर्स्ट सेट. सो फर्स्ट सेट वाले एलिमेंट्स को हम एक्स एक्स में मार्क करते हैं, सेकंड सेट वाले एलिमेंट्स को y एक्सिस में मार्क करते हैं. ऑपोजिट में मार्क किया तो b क्रॉस a हो जाएगा वो, मतलब आप जो बोले a कमा वन ऐसा है क्या? नहीं, वही बोल रहा हूं ना, क्योंकि अगर वन कमा a पॉइंट लिया तो यूजुअली नोटेशन क्या है, वन इज द x कोऑर्डिनेट, a इज द y कोऑर्डिनेट है ना. सो वन को हम x एक्स में मार्क करेंगे, a को y एक्सिस में मार्क करेंगे. क्लियर है. इसके बाद आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दीज क्वेश्चन. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन ग्राफिकल फॉर्म. एन क्रॉस एन को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो कैसे दिखेगा? इफ यू प्लॉट एन क्रॉस एन, इसका मतलब फर्स्ट सेट भी एन है, सेकेंड सेट भी एन है. एन का मतलब नेचुरल नंबर्स. So if you plot n cross n on a graph sheet, how does the plot look like? n cross n का मतलब क्या है? मैं पहला diagrammatic form में draw करता हूँ पहला. मतलब I want to see what are the ordered pairs that I get. n, n. n का मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4, so on. 1, 2, 3, 4, so on. Right? So क्या क्या ordered pairs आएगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, so on. All these points come. ये सारा points को graph में plot किया तो क्या आएगा? देखिए 1, 2, 3, 4, so on. 1, 2, 3, 4, so on. ये points नहीं है. पहला मैं x-x पे numbers को plot कर रहा हूँ. What is the first point? 1, 1, कहाँ आएगा? यहाँ आएगा. 1, 2, 1, 3, 1, 4 ऐसा करके आते रहेगा, ऊपर ऊपर जाते रहेगा. इसके बाद 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, so on. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, so on.
4 1 4 2 4 3 4 4, so on, and this extends on this side also. So first quadrant mein all the grid points, jo aap graph sheet mein grid points hote hai na, wo sara grid points aapko n cross n mein aayega. Clear hai? So using this concept, can you plot w cross w? Extra kya aayega w cross w mein? ठीक है, नेक्स्ट सेट W क्रॉस W में आपको एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स भी आएगा, राइट? क्योंकि X जीरो भी हो सकते हैं, Y जीरो भी हो सकते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन N क्रॉस N एंड W क्रॉस W? N क्रॉस N में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, स्ट्रिक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा. W क्रॉस W में यही पॉइंट्स आएगा, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन X एक्सिस एंड y एक्सिस. इस बार ये भी पॉइंट्स आएगा इसके साथ. ठीक है, जो पुराना पॉइंट्स आया n क्रॉस n में, उस पॉइंट्स के साथ एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स भी आएगा, क्योंकि इस बार x कैन बी जीरो, y कैन ऑल्सो बी जीरो. क्लियर? इसके साथ बाकी सारा पॉइंट्स आएगा, ग्रिड पॉइंट्स सारा आएगा. क्लियर है क्या? नहीं? So next time if I say n cross n, you should understand what I'm talking about. W cross W भी समझना पड़ेगा. Clear है? This side so on, इस side भी so on जाते रहेगा. Clear? Next, can you think about Z cross Z? Z cross Z में क्या आएगा इस बार? Negative में भी extend होगा. ठीक है, द ग्राफ एक्सटेंड्स टू द नेगेटिव साइड ऑल्सो. सारा ग्रिड पॉइंट्स आ जाएगा, हर क्वाड्रेंट में ग्रिड पॉइंट्स आ जाएगा, राइट? सो वो प्लॉट कर लीजिए नेक्स्ट ग्राफ में, जेड क्रॉस जेड कर लीजिए. सो नेक्स्ट ग्राफ में जेड क्रॉस जेड कर लीजिए. खुद से कर सकते हैं. जेड क्रॉस जेड में क्या आएगा? Grid points in all the quadrants. क्योंकि इस बार x and y can be negative also. All the points on x and y axis, all the grid points on x and y axis, as well as all the grid points in all the four quadrants. Clear है कि नहीं? ये सारा points आएगा. इस तरफ भी आएगा. राइट? समझ में आ रहे? ठीक है, अलॉन्ग विद दिस पॉइंट्स, पॉइंट्स एंड एक्सिस ऑल्सो, ऑल दिस पॉइंट्स विल कम इन दिस जेड क्रॉस जेड. क्लियर? एंड फाइनली दिस इज जेड क्रॉस जेड. एंड फाइनली फोर्थ सेट क्या है? आर क्रॉस आर. आर क्रॉस आर का मतलब है the set of all points whose first coordinate as well as second coordinate are real numbers. तो पूरा आ जाएगा ना इस बार, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में यू टेक एनी पॉइंट ऑफ योर चॉइस, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इसका एक्स कॉर्डिनेट वाई कॉर्डिनेट रियल नंबर्स तो होगा ना. सो ऑल द पॉइंट्स इन दिस कार्टेशियन प्लेन कम अंडर आर क्रॉस आर, राइट? सो नेक्स्ट टाइम से कार्टेशियन प्लेन, हाँ क्या, हाँ, इंटीजर्स में सारा नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर मान लीजिए बीच वाला पॉइंट लिया आपने, सो इफ यू टेक ए पॉइंट समवेयर इन द मिडिल, इसका कोऑर्डिनेट्स हाफ कमा मान लीजिए 3/2 है, ये तो इंटीजर्स नहीं है ना. सो हाफ कमा 3/2 डजंट कम इन जेड क्रॉस जेड, बट ये हाफ कमा 3/2 किस में आ जाएगा? आर क्रॉस आर में आ जाएगा. क्लियर? So x axis में every point is a real number, y axis में every point is a real number. So if you take any point on the Cartesian system, x coordinate will be a real number, y coordinate will also be a real number. Okay? So r cross r is same as Cartesian plane. Okay? अगले बार से Cartesian plane word के place में मैं r cross r use कर सकता हूं. You should not get confused. If I say x comma y is a point on the Cartesian plane, समझ में आ रहे?
इफ आई से एक्स कॉमा वाई इज ए पॉइंट ऑन आर क्रॉस आर, सेम मीनिंग है दोनों का. आर क्रॉस आर इज सेम एज व्हाट? कार्टेशियन प्लेन. एंड इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं समझ में आया आपको? क्योंकि ए क्रॉस बी करने के बाद जो पॉइंट्स आया वो कार्टेशियन प्लेन में मैं प्लॉट कर सकता हूं. दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट. क्लियर? आगे जाएंगे. यहां नीचे एक पॉइंट दिया है, देखिए पेज के नीचे, इन ग्राफिकल फॉर्म एवरी पॉइंट, ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डर्ड पेयर, राइट? सो ग्राफ में जो भी पॉइंट्स आएगा ऑल दिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट एन ऑर्डर्ड पेयर. ओके, आगे जा सकता हूं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये सारा प्रॉपर्टीज जो है दे डोंट नीड मच एक्सप्लेनेशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू इन प्रॉब्लम्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. देखिए क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वर्क्स ओवर यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन. पहला दो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज. ओके, सो कैन डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लीकेशन ओवर यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन. क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट क्रॉस ओवर डिफरेंस ऑल्सो. ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा. इसके बाद अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए है तो ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए. क्वेश्चन में ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए दिया, क्या समझ में आना चाहिए आपको? ए इज इक्वल टू बी समझ में आना चाहिए. क्लियर? एंड नेक्स्ट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए. ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देखिए ए छोटा सेट है बी बड़ा सेट है, समझ में आ रहे? मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं. देखिए ए छोटा सेट है बी बड़ा सेट है, इसका मतलब ए में जो भी एलिमेंट्स है वो बी में भी है और बी में कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं. ओके, अब ए क्रॉस ए कर रहे हैं, ए क्रॉस ए का मतलब है कैन यू से दैट ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी? क्योंकि ए क्रॉस ए का मतलब सिर्फ ये वाला एलिमेंट्स आएगा, राइट? ये वाला एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में भी आएगा ना, क्योंकि बी ए क्रॉस बी में और ज्यादा एलिमेंट्स आएगा. क्लियर है? सो ए क्रॉस ए विल बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ओके, सिमिलरली बी पहला ले लीजिए ए बाद में ले लीजिए, बी पहला ले लीजिए ए बाद में लीजिए, दोनों को क्रॉस करिए. ए का सारा एलिमेंट्स इसमें भी है ना, सो ए क्रॉस ए का एलिमेंट जो है बी क्रॉस ए में भी रहेगा, समझ में रहे? ए छोटा सेट है बी बड़ा सेट है, इसका मतलब ए में सारा एलिमेंट्स बी में भी है. सो जब बी क्रॉस ए करते हैं उसमें भी ए क्रॉस ए का सारा एलिमेंट्स तो रहेगा, उससे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स रहेगा, राइट? सो कैन आई से दैट ए क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए ऑल्सो? हाँ, इक्वल टू क्यों होगा? बी में और भी एलिमेंट्स है ना, हाँ ऊपर में इसका है कि हाँ हाँ देखते हैं. सो ए क्रॉस ए जो है एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एज वेल एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, राइट? सो हर एक एलिमेंट ए क्रॉस ए में हर एक एलिमेंट ए क्रॉस बी में भी है बी क्रॉस ए में भी है, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन में होगा. सो ए क्रॉस ए कैन आई से दैट इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए? ओके, जैसा बोल रहे इक्वल टू भी बोल सकते हैं ना, राइट? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट्स क्या होगा? ए क्रॉस ए हो जाएगा, राइट? सो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए. क्लियर है? सबसेट भी बोल सकता हूं. ओके, और अच्छा है इज इक्वल टू भी बोल सकता हूं. क्लियर?
इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए क्रॉस ए विल बी इक्वल टू व्हाट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए. ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो कॉमन एलिमेंट्स है दैट इज सेम एज ए क्रॉस ए. क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज जो है आपको क्वेश्चंस में यूज होगा. प्रॉपर्टीज याद किया तो आप कर सकते हैं, क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड. इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी. अगर ए बी का सबसेट है, ए क्रॉस सी किया तो दैट विल बी सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी. ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है, दोनों को सी से क्रॉस कर रहे हैं, इसमें जो एलिमेंट्स होगा वो सारे इसमें भी होगा. क्लियर है? सो अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए क्रॉस सी विल बी सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी. एंड सेवेंथ प्रॉपर्टी देखिए, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सारा जो है बाद में वेरीफाई करेंगे हम. ठीक है? सो क्या बोल रहे, इफ ए बी सी डी आर फोर नॉन एम्प्टी सेट्स. प्रॉपर्टी क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी. ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी. देखिए लिखने का तरीका देखिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ये पहला दो सेट्स का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी हो जाएगा. क्लियर है? दिस इज अ सेवेंथ प्रॉपर्टी. एंड फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो याद रखना है, ये देखिए, इफ ए एंड बी हैज एन एलिमेंट्स इन कॉमन, इफ ए एंड बी हैज एन एलिमेंट्स इन कॉमन देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए विल हैव एन स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन. समझ रहे? इफ ए एंड बी हैज एन एलिमेंट्स इन कॉमन देन A cross B and B cross A has n square elements in common. ये important property है, इसको हम एक example से समझने के लिए कोशिश करेंगे. देखिए, so मान लीजिए एक set A ले रहा हूं. Tell me some set 1, 2, 3, 4 मान लीजिए. 1, 2, 3, 4. Okay. Let us take set B. 1, 3, 5, 7. Okay. 1, 3, 5, 7. आप A cross B कर लीजिए. A cross B में कितने elements आएगा? 16 elements आएगा, right? B cross A में कितने elements आएगा? 16 elements आएगा. What does this statement say? वो जो स्टेटमेंट है पिछले पेज में वो क्या बोलते हैं? इफ ए एंड बी हैज एन एलिमेंट्स इन कॉमन. अब ए एंड बी में कितने एलिमेंट्स कॉमन है? 1, 3, 2 एलिमेंट्स इन कॉमन. अब ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन होना चाहिए? 4 एलिमेंट्स. ध्यान से देख लीजिए, 1, 1 जो है ए क्रॉस बी में भी रहेगा, बी क्रॉस ए में भी रहेगा. देखिए सिमिलरली 1, 3 जो है, देखिए 1, 3 जो है ए क्रॉस बी में भी रह रहे हैं और देखिए इस तरफ से इस तरफ आया तो भी 1, 3 आ रहे. देखिए यू कम फ्रॉम बी टू ए, अगेन यू आर गेटिंग 1, 3. सिमिलरली 3, 1 ए क्रॉस बी में भी है और बी क्रॉस ए में भी है. सिमिलरली लास्टली 3, 3 ए क्रॉस बी में भी है और B क्रॉस A में भी है. सो ये चार एलिमेंट जो है A क्रॉस B में भी रहेगा, B क्रॉस A में भी रहेगा. सो हाउ मेनी कॉमन एलिमेंट्स आर देयर इन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A? 4 कॉमन एलिमेंट्स, विच इज इक्वल टू 2 square. ओके, A एंड B में 2 एलिमेंट्स कॉमन है तो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स कॉमन होगा? 2 square एलिमेंट्स. क्लियर? अगर A एंड B में 3 एलिमेंट्स कॉमन है तो A क्रॉस B में 9 एलिमेंट्स कॉमन आएगा. 4 एलिमेंट्स कॉमन है तो 16 एलिमेंट्स कॉमन आएगा. क्लियर है?
नेक्स्ट ये दोनों क्वेश्चंस करिए खुद से. ए बी सी डी फोर सेट्स आर गिवन, वेरीफाई वेदर ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी. आप ध्यान से देखा तो ए सबसेट ऑफ बी है इसमें, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सी इज अ सबसेट ऑफ डी. आपसे वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का सबसेट होता है क्या नहीं. सो ए क्रॉस सी करना पड़ेगा, बी क्रॉस डी कर लीजिए, देखिए कि सबसेट हो रहा है क्या नहीं, ट्राई कर लीजिए. ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस सी में यू गेट सिक्स एलिमेंट्स, बी क्रॉस डी में यू गेट 16 एलिमेंट्स. अब धीरे धीरे करके सब कुछ लिखना पड़ेगा. हो रहे बेटा? अगर ये हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लीजिए.